हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के जो कि सोशल साइंस के पेपर के लिए, ठीक है दोस्तों, हम लोग टॉप जो कि प्रश्नों को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग कम समय बेहतरीन तरीके से इसको देखते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। यदि आपको 19 फरवरी को गर्दा गर्दा करना है सोशल साइंस के पेपर में तो दोस्तों वीडियो को पूरा पूरा देखिए और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, ठीक है। जो कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी दोस्तों एंड कब हुई, ऑप्शन जो कि इस प्रकार आपके सामने है, तो दोस्तों ये जो है कि नवंबर 1917 में हुआ था, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे दोस्तों। ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली ही आवे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो दोस्तों ये जो है कि सितंबर 1920 इन कोलकाता में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 के बी हेडगेवर ने। ऑप्शन नंबर जो है कि बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ दोस्तों। तो ये जो है कि 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पूंजीवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे आपके सामने, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है दोस्तों। ऑप्शन जो कि इस प्रकार है 55, 60, 65, 70%, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि 65%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जो कि संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में विकृत किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि 3 वर्गों में, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एनजीओ की, ठीक है, वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने जो है कि हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगनीज का उपयोग होता है दोस्तों। तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 10 ग्राम, ठीक है, किलोग्राम आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है दोस्तों। तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रेसाइट होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन जो कि इस प्रकार है, पेट्रोरस जो कि रसायन, लोह इस्पात, चीनी उद्योग, या जो कि चितरंजन लोकोमोटिव, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय, ठीक है, अंतर्देशीय जल मार्ग, ठीक है, प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। तो दोस्तों किस वर्ष किया गया था, ऑप्शन जो है किस प्रकार है, तो दोस्तों ये जो है कि 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है दोस्तों। तो पाइराइट जो है कि एक जो है कि धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, यानी कितनी थी दोस्तों। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि 10.5%, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी जो कि नहीं थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यानी जीत गुरु, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति
किस जो कि धारणा पर आधारित है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है दोस्तों, तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ठीक है ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1970 के दशक से, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है पेड़ बचाओ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ी विरोधी आंदोलन ठीक है निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया दोस्तों, तो ऑप्शन जो कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर यानी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे आपके सामने राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी दोस्तों, ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले जो कि ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, ठीक है दोस्तों तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बताना है, तो दोस्तों ऑप्शन जो किस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है जो कि भारत, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार कहा जाता है, ठीक है हर मामले में बिहार जो कि पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर बाजार की नियामक संस्था है, ठीक है दोस्तों शेयर बाजार की नियामक संस्था है आपको बताना है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, ठीक है दोस्तों तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, ठीक है तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी मुंबई कहा गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है बिहार मध्य प्रदेश कर्नाटक उड़ीसा, तो बीमारू राज्य नहीं है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर जो है कि सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं दोस्तों, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है कि 5 होते हैं, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, ठीक है तो यह घोषणा 1986 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने स्वर्ण जो है कि भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का जो है कि होना आवश्यक है, ऑप्शन जो कि इस प्रकार आपके सामने है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण भाई जो है कि क्या है वर्षा की अधिकता है, ठीक है ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आयताकार। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए टॉप जो है कि 40 प्रश्न को प्रोवाइड कराया जो कि 19 तारीख को यानी कल के पेपर में गर्दा गर्दा करना है, यानी 19 तारीख को गर्दा गर्दा करना है दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, तो इसे पूरा